मैं पिछले जब से मेरा कैरियर शुरू हुआ है ना, तब से मैं यही ढूंढ रहा था। जब भी मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पे एक एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन रखता था, तो मेरे दादाजी दो चीजें बोलते थे। एक तो ये बोलते थे, पिताजी कहते थे, चंदन अगर तेरे क्लिनिक में एक बार से दूसरी बार कोई पेशेंट आया तो तेरी क्वालिटी पे प्रश्न चिन्ह है। पिताजी को कहते थे कि अगर एक बार से दोबारा कोई पेशेंट आता है तुम्हारे पास तो तुम्हारी क्वालिटी पे प्रश्न चिन्ह है, ये वाली बात का। और एक ये वाली बात थी कि वो एक एक सिंगल चीज से वो व्यक्ति ठीक होना चाहिए। तो वो बर्बरिक की कहानी सुनाते थे, तो मेरे दिमाग में कभी अर्जुन बनना ही नहीं आया। मेरे दिमाग में तो हमेशा उसका आया, क्योंकि मुझे लगता था कि अर्जुन तो एक सेट इन्वायरमेंट में एक राजकुमार की तरह शिक्षा ली, सारी चीजें उसके फेवर में थी, तो वो हो सकता है कि वो एक सव्यसाची की तरह बिहेव करे। लेकिन हाँ बर्बरिक जिसका कोई ऐसा वो नहीं मिलता कि भाई कोई बहुत बड़े दिग्गज गुरु का चेला हो और वो आके अचानक कृष्ण के सामने खड़ा हो जाए कि मैं एक तीर से सबको बेन दूंगा, और उसने करके दिखाया। एक्चुअली हालांकि वो ठीक है, शास्त्र कूटनीति, जो है ना, वो शास्त्र हम ऑथेंटिक तरीके से पढ़ते ही नहीं है। अर्जुन जब पहली बार इसमें क्या कहते हैं, कौन सा था इनका, हस्तिनापुर में प्रवेश कराए, उस समय अर्जुन और सारे भाइयों की आयु जो है वो 14 वर्ष थी। राजकुमारों की तरह पले ही नहीं है ये, तो जंगलों में पले बड़े बच्चे थे। सुनो जरा, ब्लिंकिट से लेना एक चेक। ब्लिंकिट से लो जरा बाहर खड़ा। तो सॉरी, तो ये तो कभी राजाओं की तरह पले बड़े नहीं थे। 14 साल अर्जुन ने काटे वनवास में, जन्म से 14 साल। उसके बाद के जो वर्ष थे, उस पूरे पीरियड में इनको वनवास हो गया। जब जरा सा ये राजा बनने के हिसाब से प्रेरित हुए, तो उस टाइम पर इनका बंटवारा हो गया, तो 28 साल। कृष्ण की आयु 10 वर्ष थी, 12 वर्ष थी जब उन्होंने मथुरा में कंस के मल्ल क्षेत्र में जो है अपने चरण रखे। और जब वो गए तो उस समय वो कुवल्यापीड़ हाथी को सूंड से उठाकर फेंक के मारा था। सूंड से उठाकर फेंक के मारने वाले जो हैं, कितने लोग हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित हैं, उसमें सबसे पहले जरासंघ है, जरासंघ के बाद कंस है, कंस के बाद कृष्ण और भीम है, जो हाथियों को सूंड से उठा के फेंकते थे। लेकिन मेरा तो ये था, मेरा सोचना ऐसा था कि वो द्रोणाचार्य जैसे गुरु के साथ उन्होंने सीखा, और वो जो जो गुरु थे वो हस्तिनापुर से फंडेड थे, उनको सारा सारा सेटअप जो है हस्तिनापुर राज परिवार करता था। तो उस समय में ऐसे गुरु से सीखना, और फिर एक उसका कोई वो नहीं मिलता कि वो कहाँ सीखा उन्होंने। जैसे एकलव्य ने मूर्ति बनाई सीखना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब उसे इनर डायलॉग ने सिखाया। तो हमेशा मैं यही सोचता था, मैंने आयुर्वेद में मतलब जितना भी भगवान ने मेरे से काम कराया, मैं ये नहीं कहता मैंने किया, और सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी बड़े कलाकार हैं, उसने बनाया हमें ईश्वर ने। तो फिर भी ये रहता था कि यार एक चीज वो मिले तो सबको बेंदे, सबको बेंदे। वो बाय द वे अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो एक एक जो अंदर जब तक पूर्णता नहीं होती ना, तो एक एम्प्टीनेस होती है, तो वो अभी तक मैं फील कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि हाँ हो जाएगा वो पूरा, क्योंकि देखिए, सब चीजें कुछ सारी बदल रहा है। होती हैं, हमारे को ना उस पक्ष को समझना बहुत जरूरी होता है। मेरा कहने का एस्पेक्ट यह है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए शरीर तो माने अर्जुन और आत्मा माने कृष्ण, फिर जो इनर डायलॉग होगा वो डिफरेंट होगा। आत्मा एकलव्य के अंदर भी थी, उसने गुरु के हिसाब से भी ठीक है। तो हमारा जो प्रक्रिया है, हम उसको मतलब, साधु तो बहुत सारे हैं ना, मेरे गुरुजी में ही ऐसी कौन सी विलक्षणता थी जिसकी वजह से कोई और बात हुई, ये ईगो हो गई।
तो जब आपकी लर्निंग जर्नी किसी भी पर्पस से ड्रिविन है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जरूर होगा। जब कभी चेक करना हो कि हमारे शास्त्र में जो भी घटना और जो भी घटनाक्रम का वो दे रखा है, उसको अगर चेक करना है तो सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम बोला आपने, एकलव्य। द्रौपदी एकलव्य जैसा कैरेक्टर जो है वो हमारे शास्त्र में हुआ भी था या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब हम तथ्य के आधार पर चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, हमें सबसे पहले जो है, क्योंकि कब किसी ने हमारे शास्त्र में झूठ लिख दिया उसका तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन साधारण सी बात। आप कल ये भी एक या दो दिन पहले ये भी कह रहे थे कि गीता को भगवान कृष्ण ने कब बोला कि अध्याय एक है, अध्याय दो है, अध्याय तीन है। तो तो ये बाद वाले लोगों का काम है ना। जब एकलव्य को ऐड किया गया होगा तो ये भी तो बाद वाले का हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, मैं वो हाँ पॉइंट तो भी। हाँ, तो मेरा मेरा सीधे साधारण सी बात ये है कि वास्तव में बहुत सारे लोग हैं, अभी अब अहमदनगर जाते हैं तो वहां एक वैद्यराज थे, कोई BMS वगैरह डिग्री नहीं की थी, और वो तिरफले को ही अलग अलग अनुपान के साथ देते थे और बीमारी ठीक कर देते थे। हाँ, जो हमारे डॉक्टर कवीर ऋषि बालकृष्णन है, ये पौंडीचेरी वाले, इनके दादाजी का भी ऐसा ही वो मिलता है। वो दादाजी कुछ भी नहीं करते थे, वहां जाते थे जो वो मंदिर है ये वैदेश्वरन कोइल का, और वहां जाके पूजा करके आते थे और आके बैठ जाते थे, और कोई आता था तो ऐसे माथा पड़ के उसे सारा चीजें बताते रहते थे। तो वहां से वो आता था, मेरी जिज्ञासा उस तत्व को जानने में थी। हाँ ये है कि मेरे पीछे जो पिन मुझे बार बार करता था, तो वो मेरे दादा निजराम शुक्ला जी का वो करता था कि जो ये है, एक तो आपके पास एक बार से दोबारा पेशेंट आता है तो तुम्हारी क्वालिटी का प्रश्न चिन्ह, और दूसरा एक सिंगल चीज से भी चिकित्सा होनी चाहिए। तो वो सिंगल को ढूंढने के चक्कर में इतनी लंबी चौड़ी यात्राएं हैं, नहीं वो वो ठीक सही है, हैं मतलब मैं गलत हैं। आपकी बात है, देखिए हमारा जो सोचने का और जो दृष्टिकोण जो है उसको आप इस तरह से ऑब्जर्व करिए, मिट्टी एक है सब जगह। कैसे वो एक पौधे को तुलसी में परिवर्तित कर देता है, कैसे वो एक पौधे को आम में परिवर्तित कर देता है, कैसे वो एक पौधे को कटीली झाड़ी में प्रेरित कर देता है, ये उस बीज और उस बीज के बोने के समय के ऊपर है। कल अभी पतन कहीं घूम रहा था, किसी ने ऐसी जमीन पर जो है वो एक आम की गुठली फेंक रखी थी और उसमें अंकुर निकल रहे थे, और यहाँ इतने पापड़ बेले और फिर जाके जो है एक गुठली में से वो आम के वो निकला। लेकिन हाँ, वो जो इनर डायलॉग को एक सेटिस्फैक्ट्री वो दिया कि भाई शाबाश अब सही रास्ता है, वो आपकी वो बात से थी। शायद किसी के साथ आप दो दो हैं ऐसे, जैसे मैं और रमेश जी क्लास करते हैं, तो आप इसमें बता रहे हैं कि भाई वो प्राण और रई का वहां जिक्र आया। तो जो प्रश्नोपनिषद है वो मैंने ओशो वाले शास्त्र से पढ़ा, तो मुझे प्रश्नोपनिषद में जो मेरे माइंड की कंडीशनिंग थी वो उसके अकॉर्डिंग थी। लेकिन क्योंकि आप जब बुरा नहीं मानना, ओशो एक नंबर का गधा था। लेकिन सर उसे मेरी बात क्या सुनिए, करें, मैं पहले मेरी बात सुनिए पूरी की पूरी। अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं बिना तथ्य के आधार पे नहीं बोलता, एक वक्ता, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, दो तरीके की बातें करता है। एक वो जो सुनने वाले को पसंद आए और सत्य ना हो, दूसरी वो जो सुनने वाले को पसंद आए और सत्य भी हो। वक्ता वो है जो वो उच्चारण करे जो सत्य हो और सत्य के आधार पे लो। अगर मुझे मदारीपन करना होता ना, तो मैं 5 मिनट में, आप में से किसी भी व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं, अगर मैं प्रपंच रचने बैठ जाऊं तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस प्रपंच से बच पाए। ये मेरा सिद्धांत था। मेरी भी बात पूरी होने दीजिए, जो मैं बात कह रहा हूं क्या चीज का फर्क है। अगर मैं अपने सिद्धांत पे ये फिक्स नहीं करता कि मुझे पैंट शर्ट नहीं छोड़नी है,
मुझे जो है 1 सेकंड में साधु वेश बनाना है। इस मैं अभी तक तो कोई ऐसा व्यक्ति देख नहीं रहा कि मैं और आरती अगर खड़े हो जाएं तो वो 5 मिनट की भी क्षमता रखता हो, लेकिन उद्देश्य जो है वो सिद्धांत जो होते हैं ना, जो ठोस सिद्धांत होते हैं, वो हमारे बड़ों के अंदर थे, क्योंकि उन्होंने शुद्ध खान पान देखा था, शुद्धि चरित्र देखा था। इस वजह से हम अपने को जब उन संकल्पों से जोड़ते हैं, वो इसलिए जोड़ पाते हैं, वो शुद्ध लोग रहे। हमारी अशुद्धि प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पहनने उठने खाने आसपास की मानसिकता में, हर चीज में। मेरे गुरुजी ने एक बार एक मुझे वो सुनाया कि एक बार क्या हुआ कि मेरे गुरुजी जो है उन दिनों कानपुर में थे, तो कानपुर में जो है वो किसी के यहाँ एक पुलिस का एसपी था, वो बहुत टाइम से निवेदन कर रहा था उनसे कि आप एक बार मेरे यहाँ रुकिएगा। तो वो और उनकी वाइफ, जैसे कोई साधु महात्मा आता है तो उसके बिल्कुल पैरों में पड़ जाएं, सेवा करें, ऐसे करके वो सेवा करने के हिसाब से हो गए। जब ये पार्ट हुआ तो उन्होंने जो है उनको अपने यहाँ रुकाया, और जो है चलते समय उनको शायद 10,000 या 15,000 रुपये दिए। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 40s की, ठीक है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 40s के टाइम पर। 40s में कोई 10-15 हजार रुपये दे रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। तो फिर गुरु जी ने अपने खर्चे वर्चे में जो थे वो ले लिए। इत्तेफाक से जब वो अपने आश्रम में जिस जगह रुकते थे वहां पहुंचे, तो वहां उन्होंने खाना वगैरह बनाने के लिए बोला, तो वो उन्होंने पैसे रसोइये को दे दिए कि जाओ बाजार से जाके आश्रम में जितना भी अनाज वगैरह भरना है वो भर दो। रात को भोजन बना, भोजन बनने के बाद में गुरु जी बोले कि मेरी उम्र तो होगी मुश्किल से 25 साल, लेकिन मुझे ऐसी काम वासना जागृत हुई कि मैं उसका हिसाब ही नहीं लगा सकता। तो सुबह वो 3 बजे उठते थे, तो बोले मैं 3 बजे उठते ही सीधे जो है गंगा जी की तरफ चला गया, और मैं वहां पे 1.5 घंटे तक मेन स्ट्रीम में तैरता ही रहा कि वो जो अंदर की अग्नि प्रज्वलित हुई वो कैसे हुई उसके तौर पे। और बोले मेरे को ये सब कभी वेग आई नहीं, पर जब वो आया तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया इस तरीके से। तो उन्होंने फिर उसके बाद में 1-1.5 घंटे जब तैरते रहे और वो पूरा शांत हो गए, तब वो उसके बाद वापस आए। वापस आते ही वो आश्रम में अपना जो भी नित्य कर्म था वो पूरा करते ही सीधे वो एसपी के यहाँ गए। उन्होंने पूछा कि भाई तू मुझे ये बता, तूने जो मुझे ये पैसे दिए ये आए कहाँ से? बोले अरे महाराज, और ये वो। बोले महाराज वाला छोड़, मुझे तो ये बता ये पैसे आए कहाँ से? तो उसकी वाइफ ने कहा जी ये तो कल ही सुबह ये आए थे, तभी इन्होंने मुझे ये पैसे दिए, तो ये पैसे मैंने आपको दे दिए। तो बोले अच्छा। तो उसके हस्बैंड को बोला तूने कहाँ से पैसे लाए? तो उसने भी ध्यान से सोचा कि वो अच्छा, वो एक जो 100 के नोट की गड्डी जो थी, बोले हाँ। तो उसे ध्यान आया तो एसपी ने बताया कि वो कानपुर में कोई प्रोस्टिट्यूशन एरिया था, वो उस प्रोस्टिट्यूशन एरिया में गश्त पे गया था, उसने वो 10,000 की नोट की गड्डी उसको दी थी। वो भोजन उन्होंने करा और उस भोजन की वजह से उनको इतनी परेशानी हुई। इस लेवल पर, इस सूक्ष्म लेवल पर शुद्धि और अशुद्धि का फर्क पड़ता है। आपके दादाजी ने जो शुद्धि और अशुद्धि देखी है, आप तो अभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते उसकी, सपने में भी, कि आपके लेकिन शरीर के अंदर भोजन का एक कण भी जा रहा है, आप उसको इवेल्युएट करो, ये तो आपकी सोच में भी नहीं होगा। लेकिन मुझे ओशो मैं का या इन सब का, मैं 1 सेकंड लगाता हूँ यूं यूं करके चुटकी बजा अरे के एक बिल्कुल आदमी को आप सर्टिफिकेट देने में। आपको बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपकी यात्रा गुरु शिष्य वाली है, हमारी यात्रा काहे गुरु की बन अरे के सीखने वाली है। फिर वही वाली बात, काहे के गुरु तो जी काहे के शिष्य। एक नहीं, आपने देखो जी, जो मैं सीखा है, एक मोटा मोटा बात सुनो आप। मेरे पिताजी माउंट आबू घूमने के लिए गए थे, वो माउंट आबू में घूम रहे थे, किसी ने कहा देखो यहाँ पर एक वो वशिष्ठ आश्रम है, वो वहां पर भी चले गए। वशिष्ठ आश्रम में जो है वो व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, रुकने की व्यवस्था हो गई, तो उस जगह जो है वहां दीवार पे लिखा हुआ था
यहाँ पर एक रात रुकने का सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। उस स्थान पर एक रात सोने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। तो डैडी बोले, यार बैठे बिठाए फल मिल रहा है, हम भी रुक जाते हैं। रुक गए तो वहां पे जैसे वो साधु और वो महात्मा घूमते रहते हैं, वो वहां पे देखा सब जने गुरु जी को प्रणाम कर रहे थे। हमारे गुरु जी को प्रणाम करा और सब लोग क्योंकि उनसे बात कर रहे थे और उनका तो एक मतलब एक आकर्षण जो है एक स्वाभाविक वो है, तो मेरे गुरु जी की ऑरा बहुत तेज थी। तो वो जो है अगले दिन ही वो हमारे गुरु जी के उस प्रपंच में फंस गए और बोले जी मैं तो आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने दीक्षा ले ली। जब उन्होंने दीक्षा ले ली, हम तो ऑटोमेटिकली अपने पिताजी से बंधे हुए थे। हमने कभी ये थॉट भी आया हो हमारे लिए तो ऐसा मान लो कि हमने कभी अपने दादा को नहीं देखा था, तो हम उन्हें अपने दादा के जैसा कि घर में एक ऐसा बुजुर्ग जिससे हम अपने पिताजी की भी शिकायत कर सके कि मम्मी ऐसा करती है, पापा ऐसा करते हैं। हम तो इस तरीके से उस लाइन में बंधे हुए थे और 10-11 साल का बच्चा होता ही कितना है। और पिताजी हमारे गुस्सैल भी थे तो इनिशियली तो पिटते भी तो बहुत रहते थे, तो हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड रहती थी कि जितने दिन गुरु जी हमारे घर में आते उतने दिन हम पिटेंगे नहीं किसी बात पे। ऐसे कोई गुरु चेला थोड़ी होता है। अगर मैं वास्तविक गुरु चेले की बात करूं तो 2019 15 मई के बाद तो मुझे पहली बार पता चला कि गुरु होता क्या है। व्यक्ति के जाने के बाद उसकी जो ऑरा होती है ना वो पता चलती है। मैं जब जब टेक्स्ट लेके बैठता, मुझे जब गाइड करता कोई कि यहाँ ये ऐसा नहीं है ये ऐसा है, तब मुझे कोई बोलता कि ये तुझे बताना रह गया था। तो जो मेरे गुरुजी बात बोलते थे ना, वो एक एक बात अक्षर अक्षर ऐसी की ऐसी जैसे उन्होंने बोली वैसी, मतलब मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी गायत्री मंत्र का बीज मंत्र क्या है, और मेरे गुरुजी बोले, वो कुछ नहीं बोले, बोले अभी समय नहीं है बाद में बात करेंगे। उसके कुछ दिनों बाद वो चले भी गए दुनिया से। उसके 1 साल बाद उनके जाने के मैं गायत्री मंत्र पे काम कर रहा था और फिर पता नहीं अंदर से क्या एकदम से डिवाइन गाइडेंस आया, मैंने पूरी गायत्री मंत्र की प्रक्रिया लिख दी। फिर आवाज आती है, ये तुझे बताना रह गया था। अगर कोई व्यक्ति मरने के 1 साल बाद भी अपनी प्रक्रिया बता सकता है, वो गुरु की ऑरा होती है। ये जितने भी चिंटू चपाड़े जो ये ओशो वोशो जो है, ये तो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं अच्छा है कि दुनिया कहाँ अच्छा चलती है। अच्छा एक बात बताइए कि आपने पहले बोला कि मैंने गुरु का ये नारायण बलि किया, तो हाँ नारायण बलि किया तो मुक्ति के लिए किया, तो राइट क्या नारायण बलि के बाद भी इस तरह का जो ये आपने अभी बताया कि भाई मेरा गुरु के साथ संसर्ग होता है और वो मुझे इनर डायलॉग में ऐसा बताते हैं, तो क्या नारायण बलि जैसी बड़ी प्रक्रिया के बाद ऐसा संभव है कि वो व्यक्ति आके आपको गाइड करे? अच्छा, आप बड़ी एक सिंपल सी बात बताओ, मैं आपसे ना एक बड़ा लॉजिकल सा प्रश्न पूछता हूं। आपका एक शरीर है जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, एक सटल बॉडी है, एक कॉजल बॉडी है, तीन शरीर हो गए आपके, ठीक। जब हम जलाते हैं तो हम स्थूल शरीर को जलाते हैं, सूक्ष्म शरीर को तो नहीं जलाते और ना कारण शरीर को जलाते। अब उसके बाद जब हमारा जो दसवें की जो पूजा होती है, 9 दिन हमारा सूक्ष्म शरीर जो है और कारण शरीर वो कहाँ तक जाता है और कहाँ जाने के बाद फिर वो जो है अपनी गति को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद कारण शरीर जो है वो कहाँ जाता है और उसकी गति क्या होती है, ये कोई जाते थोड़ी है, ये तो सब यहीं पर ही रहते हैं। अगर ओपन डोमेन के तौर पर लिखो, फर्क क्या होता है, जिस प्रकार से स्थूल शरीर की जाति होती है, स्थूल शरीर की जाति होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये स्थूल शरीर की जातियां हैं, उसी प्रकार से भूत प्रेत पितर चुड़ैल ब्रह्म राक्षस ये सूक्ष्म शरीर की जातियां हैं, ये सूक्ष्म शरीर की जातियां हैं, उसी प्रकार से कारण शरीर की भी जातियां हैं, जिनको हम ऋषि देवता और ये सारी प्रक्रियाओं में जब गिनते हैं ये कारण शरीर की जातियां हैं। सर एक सेकंड रुकिए। कारण शरीर की देवता है, कारण शरीर की जातियां हैं, ऋषि। भाई हर वो चीज जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा हो, हर वो स्थिति जिसका उद्देश्य इतना बड़ा हो कि उसे स्थूल शरीर की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, वो कारण शरीर के रूप में
वो कारण सदैव शरीर शाश्वत के रूप में रहेगी, काम करते हैं। सदा सर्वदा। अरे ये तो उनकी अपना वो है इच्छा, जिस दिन जो इच्छा हाँ, करते कब हैं। तक वो चाहे, कब तक च्यवन कर ऋषि सकते। के बारे में तो आपने सुन रखा है ना, हाँ, जी च्यवन सर, मैं ऋषि समझ छप्पन गया। हजार वर्ष तक समुद्र में तपस्या कर रहे थे, जब वो बाहर निकले तो उनका शरीर जर्जर हो चुका था। वो कौन से राजा ने उनको बोला वैसा भाई अब शादी करने के लिए, तो उन्होंने बोला भाई मेरे मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, उनकी बेटी 25 साल की। तो जब वो उससे शादी करने के लिए गए, उन्होंने कहा भाई अश्विनी कुमारो इधर आओ, मेरा शरीर नया करो, मुझे किसी से शादी करनी है। तो 56 हजार साल का व्यक्ति फट से 25 साल का हो जाता है। ये था हमारे देश का आयुर्वेद। नहीं, मैं उसे मतलब एक एजुकेटेड लेमन के रूप में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान ले स्थूल शरीर को हमने दाह संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, वो चलो चला गया। तो जब हम नारायण बलि करते हैं तो उस समय में हम नारायण सूक्ष्म बलि शरीर करने पर की गति, सूक्ष्म शरीर जो है हाँ, उसकी मुक्ति होती है, उसकी मुक्ति होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक। कारण तो शरीर जो कारण, स्वयं आत्मा है वो फिर अपने आप को नए संकल्प के साथ में परिवर्तित करता है। देखिए मैं जो आपको ये बता रहा बलि, हूं प्रक्रिया के तौर पे, मैंने तभी इस बात की पुष्टि समझी जब मुझे सहस्त्रार चक्र के ऊपर का सहस्त्रार चक्र बंद पता चला। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए कृष्ण बोध आश्रम जी, जो कि शंकराचार्य थे और मेरठ वगैरह के क्षेत्र में वो बहुत रहे, मेरी दादी उनकी शिष्य थी, तो दीदी दीदी उनको वो कहते थे। तो जब कृष्ण बोध आश्रम जी ने दुनिया छोड़ी तो उनका ब्रह्म कपाल दो हिस्सों में बट गया। ये मेरी दादी के सामने का किस्सा है जो उन्होंने हमारे घर परिवार में सबको बताया। और ये मेरठ में कभी आप देखेंगे तो वहां पे एक मंदिर वगैरह सब उन्हीं के नाम से बना हुआ है, और वो एक जबरदस्त क्वालिटी के शंकराचार्य थे। आप गूगल भी करेंगे कृष्ण बोध आश्रम जी तो पता चलेगा भाई, वो बड़ी गजब की हस्ती हुए। एक टाइम पर तो ऐसी स्थिति थी कि मेरे गुरुजी उनसे दीक्षा लेना चाहते थे, पर उन्होंने देखा कि वो शंकराचार्य और वो वाले एस्पेक्ट में जो है वो उनको नहीं समझ में आया। मेरा जो कहने का उद्देश्य है वो ये है, हम प्रक्रियाओं को ध्यान से नहीं देख रहे। जब मेरे भीतर लालसाएं जागृत है, शरीर छूट गया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो लालसाएं छूट जाएंगी। मैं जितने टाइम उस लालसा के साथ प्रेरित रहूंगा तो ये जितने भी भूत प्रेत चुड़ैल ब्रह्म राक्षस ऐसे करके जो है, ये तंत्राज तंत्र खोलो ना, इसमें जब यंत्र बना के दे रखे हैं उसमें सबके नाम लिख रखे हैं। एक भगमालिनी करके जो यंत्र है वो, जब आप उसको शर्व जब मंत्र निकाला था, मैंने उस भगमालिनी के ही उससे निकाला था, तो तब वहां पर जो है कौन सा यंत्र बनाने से कौन सी योनि की मुक्ति होती है ये वहां पर दे रखा था। भाई मुक्ति होगी तभी तो आपके उद्देश्य सफल होंगे ना, तो कहां कौन सा उद्देश्य किस प्रकार सफल होता है। तो मैंने रियलाइज करा ये इतनी सारी वेरिएशन क्यों है, वो इतनी सारी वेरिएशन उनकी उस प्रकार की इच्छा से जुड़ी हुई है। किसी की तो इच्छा होगी ना कि जो मेरे को ये सारे प्रकार का ज्ञान दे रहा है, मेरे कोई काम नहीं चलने दे रहा, सिर्फ मेरे को एक ही काम है कि भाई मेरे को ज्ञान दे और मैं मेरा काम करूं। इसका मतलब मैंने कभी किसी टाइम पर जाने अनजाने कोई ऐसी इच्छा करी जिससे वो व्यक्ति मुझसे जुड़ गया। तो प्रथम जो कुछ भी होता है किसी व्यक्ति के जीवन में वो इच्छा से होता है, इच्छा के बाद क्रिया होती है, क्रिया के बाद ज्ञान होता है। ये मेरा टेस्टेड फॉर्मूला है जिस पे स्टैंप मेरे गुरुजी ने लगाई थी। पूरा तंत्र और प्रक्रिया आप पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको इच्छा क्रिया और ज्ञान नहीं मिलेगा, इच्छा इच्छा ज्ञान और क्रिया लिखा हुआ है हर जगह। तो जब मुझे ये पता चला कि इच्छा ज्ञान और क्रिया नहीं है, इच्छा क्रिया ज्ञान है, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। इच्छा करिए, ज्ञानी बनिए, तब क्रिया होगी, ये एक प्रक्रिया हो गई। इच्छा करते ही क्रिया हो गई, बाद में आपको ज्ञान हुआ कि इसका क्या परिणाम और दुष्परिणाम हुआ। तो जिस दिन मुझे ये फॉर्मूला समझ में आया उस दिन मैंने बोला मेरी इच्छा है कि मैं 31 दिसंबर 2012 से पहले, 2025 से पहले इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत में अपनी श्रद्धा रखता है वो डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायराइड हाइपरटेंशन फ्री हो। ठीक इच्छा करी मेरी,
अब जब आप कभी किसी चीज की इच्छा करते हैं, ये नहीं है कि आप एक दफे इच्छा करी और बोला और छोड़ दिया, आप उसको सतत करते रहते हैं। एक से सॉरी। तो हुआ क्या कि जब मैंने ये प्रक्रिया समझी तो अब इच्छा क्या होती है, जिस चीज को आप सतत सोते जागते उस चीज के ध्यान के तौर पे रहते हो। इच्छा ये तो नहीं होती ना कि आपने एक बार करी और उसे छोड़ दिया। तो जब आप उस इच्छा की प्रक्रिया को सतत रूप से हर समय अपने भीतर जागृत रखते हैं, तब उसके जैसी क्रिया आपके इर्द गिर्द होनी शुरू होती है। आप मेरे से कैसे जुड़ गए, रमेश सर मेरे से कैसे जुड़ गए, ये मेरी उस इच्छा के एनवायरनमेंट में हो रहा है चीज। हमारे बीच में कोई जानकारी कोई सूत्र ऐसा नहीं है। एक YouTube की वीडियो देखी, वो इन्होंने कैसे देख ली वो ये जाने, मुझे नहीं पता। मेरा किसी भी व्यक्ति से जिसको मैं पिछले 1-1.5 साल से कर रहा हूं, मेरे व्यक्तिगत नेटवर्क का एक व्यक्ति नहीं है मेरे पास में, और स्टिल मेरे पास जो है 100-150 लोग अपने आप अपनी व्यवस्था के अनुसार प्रकट हो रहे हैं, अपने उसके हिसाब से जिसका जो पार्ट है वो समझ रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जैसे इच्छा क्रिया और ज्ञान वाला ये हमारा 3 एस्पेक्ट हैं, तो आप लगातार ये इच्छा कर रहे हैं ऐसे डायबिटिक फ्री भारत हो, तो उसके साथ हम लोग सह शरीर जुड़ रहे हैं, तो ये इच्छा वाला डोमेन में हो गया। तो क्रिया और ज्ञान वाले डोमेन में फिर ये इस तरह के जो सूक्ष्म शरीर हैं या कारण शरीर हैं वो हमसे जुड़ते हैं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति में, अब जैसे मैं गुरुजी के हिसाब से बोलता हूँ, मेरे गुरुजी जो हैं वो जन्म से कांग्रेसी थे, और उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने सन 47 के आसपास जो है वो उन्होंने नेहरू को गाली दे दी। जब उस टाइम पर उस तरीके की पुलिस उनके पीछे लग गई, वो गिलगित वजारत में जाके दिगंबर होके घूमने लग गए। अब वहां पर जब वो 11 साल घूम रहे थे तो वो क्या चिंतन करते, बोले जी मैं पैदा हुआ, पैदा होने के बाद हम सब कांग्रेसी थे, उसी तरह से राष्ट्रभक्ति सोच रहे थे, सडनली हमने एक पिक्चर देखी जो चेंज हो गई। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य कांग्रेस या भाजपा या वो नहीं था, उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा थी। तो साधु बनने के बाद भी सबसे पहले कार्य क्या करा गया कि इस देश को सुरक्षित रखा जाए, ये प्रक्रिया के तौर पे बात थी। वो जितने भी संकल्प जितने भी लोगों ने करे, और उस समय तो लोग घर छोड़ देते थे क्योंकि साधु बनने की प्रक्रिया तो हर जगह जागृत थी, तो साधु शाही ने उस समय भी इस देश की रक्षा करी थी, और जब जब ऐसी स्थिति पड़ती है तब तब वो रक्षा करने के लिए अपने आप प्रकट हो जाती है। उसी इच्छा से जो लोग मर जाते हैं वो वहीं भटकते रहते हैं जब तक कि उनको वो सुरक्षित व्यवस्था ना मिल जाए। ठीक है, तो जैसे गुरु जी ने ये किया कि नेहरू जी को गाली दी, उससे पहले वो कांग्रेसी थे, और फिर वो ऐसा कोई उनके जीवन में घटनाक्रम आया तो वो वहां गिलगित चले गए। तो क्या मैं अपने आप को ऐसा सोचूं कि अब तक हम ओशो या ये थर्ड क्लास के जो राइटर थे इनको सोच रहे थे, लेकिन हमारे पीछे जो ये माइंड में ये चल रहा था कि भाई ऐसा कुछ आना चाहिए कि वन पॉइंटेड ना, चाहे एक चीज इस पे काम करे, तो उस सारे घटनाक्रम का हिस्सा है कि आप जुड़े या हम आपसे बैठ के सीख रहे हैं। देखिए, हमारे को हमेशा दो चीजें बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। पहला पार्ट हमारा जो बहुत ध्यान से देखना चाहिए वो है कोई व्यक्ति उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमेशा हमें ये ध्यान करना चाहिए वो व्यक्ति कहीं कोई चीज में गड़बड़ तो नहीं कर रहा। आप देखिए, आप पहली बात तो किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना सकते कौन व्यक्ति क्या है। वो तो कोई उसका भी जो नहीं बना अच्छा सकता। पार्ट है, उसका जो अच्छा पार्ट है उसको भी आपको पकड़ना चाहिए, उसका जो खराब पार्ट है उसको भी पकड़ना चाहिए। ये आपका बुद्धि है, और मैंने क्या बोला, बुद्धि का लक्षण क्या है? बुद्धि जो है वो डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश है। पांच प्रकार की बुद्धि होती है, बुद्धि, विवेक, मेधा, प्रज्ञा और रितंबरा। पांच प्रकार की बुद्धि क्यों होती है? जब हम धीरे धीरे पहले मोड में हम स्थूल शरीर में फर्क महसूस करते हैं, दूसरे में सूक्ष्म शरीर के फर्क महसूस करते हैं, तीसरे में कारण शरीर के फर्क महसूस करते हैं,
हर जगह हम डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश को ऑब्जर्व करते हैं। मैं भी 2 4 दिन पहले कहीं डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने बोला कि मैंने कहा जी देखो मेरा सब्जेक्ट जो है वो फंडिंग मानता है, पर ऐसा नहीं है कि फंडिंग के बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो उससे अच्छी बात है। मेरा काम ये कह रहा है मुझे उस विचार को आइडेंटिफाई करना है जिससे वाक उत्पन्न होता है। मैं क्या चीज सोचता हूं और क्या चीज सोचने से क्या चीज के लिए मुझे बोलने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ही मुझे प्रक्रिया स्वरूप ये संबंध का पता चलता है कि क्या विचार क्या वाक को उत्पन्न करता है, ये जैसे ही पता चलता है, मैं इस देश में प्रत्येक व्यक्ति जो गूंगा है या ऑटिज्म में जिसके बोलने में दोष है मैं उसको ठीक कर पाऊंगा। पर ये एलोपैथिक प्रोसेस से नहीं होगा, ये जो आयुर्वेद में देह व्यपाश्रय चिकित्सा है जो विचार से प्रेरित है उसका वो फर्क है। तो प्रक्रिया एक पार्ट हो गया और उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो एप्लीकेशन दूसरा पार्ट हो गया। अब इसी प्रकार से मैं ओशो के बारे में कह रहा हूं, हमारे वैदिक ओशो जो है वो जैन था, नास्तिक था, नास्तिक दर्शन से था, नास्तिक नहीं था, नास्तिक दर्शन को बिलोंग करता था, तो वो किसी भी आस्तिक टेक्स्ट को समझ नहीं सकता। और ये चीज मैंने नहीं कही, ये चीज कही औरोबिंदो ने, जो 22 भाषाओं के जानकार थे, गुरुजी का टाइटल था उनके आरएसएस वगैरह के तौर पे, और एक विशुद्ध वैज्ञानिक थे। मैं समझता हूं जिस काल में औरोबिंदो हुए थे उस 100 साल के अंदर कोई उनसे बड़ा विद्वान नहीं था। आज हमारा बदकिस्मती है कि आज सारे के सारे विदेशी लोग जो है वो उनके पौंडिचेरी के मठ को कब्जा करके बैठे हुए हैं, और ऐसा तमाम जगहों पर है। आज हम इस्कॉन की बात करें या महर्षि महेश योगी की बात करें, ये सब लोगों के जो इस समय के जो प्रेजेंट कर्ता धर्ता हैं वो सारे विदेशी हैं, कोई भारतीय नहीं बैठा हुआ है वहां पर। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, इन जिसका विषय में प्रवेश नहीं वो उस पर टिप्पणी कर रहा है, तो जो भी लोग उसके मजमे को देखते हैं उनके अंदर भी उस तरीके के विचार, हाँ भाई सही कह रहा होगा, वो अंकुरित हो जाते हैं और उसकी इच्छाओं उसकी क्रिया और उसके ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारे बुद्धि विवेक की बात है कि हम उस पूरे टेक्स्ट को इवैल्यूएट कर सके, इसलिए मैंने इतनी बड़ी टर्म यूज करी कि ओशो गधाए। अब मैं आपको ओशो गधे से विपरीत बात भी करता हूं, ओशो को वाक सिद्धि थी, जब ओशो बोलते थे उस समय पूरी दुनिया जो है वो हाथ बांध कर केवल सुनती रहती थी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो जब किसी व्यक्ति को वाक सिद्धि हो उस प्रक्रिया में जाने के बाद आप जब खड़े होके बोलते हो तो लोग अपने होश खो बैठते थे और वो सारा कुछ सुनते रहते थे। उस बात के सुनने से और उस प्रभाव के बाद लोगों ने जो वो बोलते थे उसको इकट्ठा करा और उसके बाद अपने आप टॉपिक्स के बेसिस पे किताबें बनाई। ओशो के मरने के बाद जो ओशो की वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो भी एडिटेड है। तो वाक सिद्धि होना इस बात का निश्चय नहीं देता कि आप जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो वो सही भी हो। वाक सिद्धि का मतलब यह है कि जब आप बोलते हो तो सामने वाला केवल सुनता है, लोगों को सुनने की तरफ बांधने की प्रक्रिया वाक सिद्धि के अंदर होती है। मैंने भाषण दिया तो पूरी प्रजा बिल्कुल वैसी चलती है जैसे कि मैंने भाषण देते वक्त हर चीज उनके मन की बोल दी, भाषण खत्म, बात खत्म, ना मेरा भाषण से मतलब कुछ ना किसी और की प्रक्रिया में कुछ। आपको ये ढूंढकर आवश्यक रूप से उसके एक-एक पॉइंट को पकड़ना और समझना चाहिए। इसलिए गधा कहना उद्देश्य इस बात का नहीं था कि मैं किसी की भी कोई भावना को अहित करने के हिसाब से बात कर रहा हूं, गधा कहने का उद्देश्य ये था कि वो हमारे को मूर्ख बना गया, उसकी तो सिद्धि थी ये वाली। मेरे गुरुजी कहते थे कि जब एक एक दफे वो एक साधु ने गए उस वो साधु भंडारा कर रहा था, तो उसने एक मंदिर के उसमें उसको अन्नपूर्णा देवी की सिद्धि थी, तो वो भंडारे में क्या करता था, वो एक भोजन की थाली रखता था और वो भोजन की थाली वो पलटता जाता था, जैसे जैसे वो पलटता जाता था तो वो थाली अपने आप भर जाती थी।
इस बात की उसकी सिद्धि थी। उसने भंडारा करा और सब लोगों को, हजारों लोगों को खाना खिला दिया, उसका भंडार कम नहीं पड़ा। जब ये वाला पार्ट हुआ और इत्तेफाक से मेरे गुरुजी वहां पहुंचे, तो उन्होंने बोला कि भाई इस भंडारे से तुझे कोई लाभ नहीं होगा। अब मैं कहूं इसने तो हजारों लोगों को भोजन करा दिया, लाभ क्यों नहीं होगा? वो बोले कि भाई आप एक रोटी खिलाते हो, वो 40 रोटी में परिवर्तित होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक रोटी आपकी मेहनत की कमाई की होती है, और वो अपनी मेहनत की कमाई का एक अंश आप दूसरे की भूख मिटाने में करते हो। ये प्रक्रिया हो गई, यहां तो मेहनत ही नहीं है, तो बोले इसको फल कहाँ मिलेगा। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि हमारी जो कार्मिक प्रक्रिया है वो बहुत सूक्ष्म है। हमें पता चलते जन्म और जन्म निकलते जाते हैं, हमारे इतने सारे जन्म हो ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हम वहीं पर ही फंसे हुए हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को ये पता चले कि आज जो है वो शादी के अलावा जो पांच उसने व्यवस्थाएं अपनी बांध रखी है, वो व्यवस्थाएं उसे कई जन्मों तक दुखी देंगी और कुछ जन्मों में तो बिल्कुल ही बर्बाद करेंगी, तो हर व्यक्ति जो है उससे डिस्टेंस बना ले। पर हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं वो इस बात को नहीं बता रहे। समस्या इस बात की है कि जो लोग प्रैक्टिकल वाले हैं वो हमारे आसपास ही हैं, कोई दूर नहीं है। मेरे गुरुजी 100 वर्ष की आयु में गए, तो उनको 100 वर्ष का ज्ञान था, उनकी जानकारी। और मेरे पास ऐसे दो तीन लोग थे जो 100 और 120 वर्ष की आयु वाले रहे, तो उन्होंने 100 120 वर्ष का नॉलेज गैप मेरे साथ शेयर कर दिया। उनके अपने नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग थे जो 300 और 400 साल के थे, तो वो 300। आप म्यूट हो गए सर, आवाज नहीं आ रही, फ्रीज फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया। हो गया। नहीं मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? सर, नहीं, आवाज ही नहीं आई, फ्रीज हो बात गया था, फ्रीज हो गए थे बीच में आप। फ्रीज हो गया था। मैं ये रमेश सर को मेरी आवाज आई थी? आ रही थी बट फ्रीज हो गए थे आप। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे गुरुजी जो हैं वो 100 वर्ष के थे, तो उन्होंने जितना भी पार्ट मुझे बताया वो अपने 100 वर्ष का एक समरी बताई। मेरे गुरुजी के पास कुछ ऐसे लोग थे जो 200 300 400 वर्षों के थे, उन लोगों ने अपनी समरी जीवन की उनको बताई। इस कारण इस देश में कभी भी प्रक्रियाएं विलुप्त नहीं हुई। इतनी लंबी आयु वाले लोग सतत हमारे आसपास काम कर रहे थे और हमें पता ही नहीं था उनकी आयु कितनी है। ये लोग अपने संकल्प विकल्प से आपको ये जानकारी दे सकते हैं कि कौन सा तथ्य बिल्कुल सही है, कौन सा तथ्य बिल्कुल गलत है, पर वो उनकी समय की कसौटी के आधार पर सत्य वो है जो कभी परिवर्तित नहीं होता किसी भी काल के हिसाब से। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ सर। तो हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी प्रश्न करने की क्षमता तभी गहरी होगी जब हम बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से मेधा, मेधा से प्रज्ञा, प्रज्ञा से रितंबरा को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने से पहले वो टर्म तो समझ में आनी चाहिए। अगर वो टर्म ही नहीं समझ में आएगी तो हम उसको पूरे प्रोसेस को कैसे देखेंगे? ये मेरा उद्देश्य है कहने का। मेरा किसी को भी गधा कहना और वो सारा जो है उसका मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इस पक्ष को हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये लोगों ने सिद्धि कर करके ये प्रक्रियाओं में इतना फर्क लाए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी आप क्या वो बीज मंत्र की दीक्षा भी देंगे? मैंने, भाई मैं किसी को कोई दीक्षा नहीं दे रहा, मंत्र बता दूंगा, मंत्र लिख लो, उसकी प्रक्रिया बता दूंगा, बाकी मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं दीक्षा देने वाला कौन, मेरा उस पूरी कहानी से कोई मतलब नहीं। मैं कोई साधु थोड़ी हूं कि मैं किसी को कोई दीक्षा दूंगा और कुछ करूंगा। हाँ, मैंने रिसर्च कर रहा हूं, मुझे आप ऋषि के तौर पर मान सकते हो कि हाँ भाई ये एक ऋषि के तौर पर रिसर्च कर रहा है, और ऋषि वाले मेरे सारे लक्षण है, मतलब मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं मान रहा हूँ हाँ भाई मैं जो हूँ ऋषि बनने के लिए क्वालिफाइड हूँ, सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी डिस्कोर्सेज है उनको समझ रहा हूँ,
और लोगों को बता रहा हूं, पर मैं साधु हाँ नहीं हूं। तो जब प्रक्रियाओं में आप प्रक्रिया का फर्क आइडेंटिफाई करते हैं, तब आपको पता चलता है क्या मूल है। काम रिसर्च आएगी और कोई चीज काम नहीं आएगी। साधु बनने का कोई मतलब नहीं है अगर वो व्यक्ति रिसर्च नहीं कर रहा तो, और रिसर्च करने के बाद वो बाकी लोगों को वो रिसर्च की प्रक्रिया में अगर प्रेरित नहीं कर रहा, तो वो प्रक्रिया का कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा सर, एक बात और बताइए। आपने अभी एक उदाहरण दिया कि जैसे गुरु जी को किसी ने 10,000 रुपये दे दिए, ठीक। अब हमारा एक वेल सेटल्ड ट्रस्ट है जिसमें जो भी डोनर आते हैं, तो क्या उनको डोनेशन ले लेना चाहिए या इस तरीके से भी कैटेगराइज करना चाहिए कि वे बेटा कहाँ से लाए देखिए, हो? हम चीजों को ना गलत पर्सपेक्टिव में जोड़ते हैं। मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है, आप जो अन्न का भोजन करते हैं, वो अन्न का भोजन जो है वो आपके पारिश्रमिक से संबंधित है। आप जो भी भोजन करें वो अपने पारिश्रमिक संबंधित उससे करें, सिर्फ भोजन, राइट? सिर्फ भोजन। बस बस हो गया भोजन काम, का ही दोष और प्रक्रिया होती है। तो ठीक है सर। सिर्फ, ठीक है सर, आप, सिर्फ आपका भोजन। परिवार अगर सिर्फ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे गुरुजी कहानी सुनाते थे औरंगजेब जी कि औरंगजेब जो है बड़ा क्रूर राजा था, तो वो क्या करता था, वो टोपी बनाता था, वो कारीगर था तो वो टोपी बनाता था और वो टोपी बेचता था, उस पैसे से ही वो भोजन करता था। औरंगजेब ने जितना भी आक्रामक वो बनाया हो, उसने उस अन्न का भोजन नहीं करा। ठीक है, अब मैं समझ गया सर, मुझे जो चाहिए था मिल गया। रमेश सर, कोई क्वेश्चन, नहीं, आई कोई एम कमेंट? लिसनिंग। नहीं, आई एम लिसनिंग टू द इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। नहीं, मतलब वो कभी कभी कुछ बढ़िया पॉइंट आते हैं, तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि उसके कोई कमेंट्स वगैरह। नहीं, आई एम जस्ट लिसनिंग, अब्जॉर्बिंग। होता है ना, इफ यू हैव टू वीडियो बी। पॉज हो गया, मैं कह रहा हूँ वीडियो पॉज हो गया था बीच में, तो इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि ये जो प्रक्रिया है उसमें जो हमने अभी, मैंने और शुक्ला जी ने कन्वर्ट्स करा, उस पे आपके क्या कमेंट्स है वो बताइए थोड़ा। नहीं, इट इज ट्रू एक्चुअली। मैं कभी ओशो की, मैं आई वाज नेवर इम्प्रेस्ड विद ओशो बिकॉज़ कभी उसका तो समझ में आया नहीं। उसके जो रिकॉर्डिंग्स रिकॉर्डिंग्स तो यूट्यूब में भी अवेलेबल है, बट आई वाज नेवर बीन एबल टू गेट कैरिड अवे विद ओशो। बट ओशो की बहुत सी किताबें हैं। कोई बोलता था ओ विज्ञान भैरव तंत्र ओशो की पढ़ो, मैं बोला क्यों पढ़ूं भाई, जबकि और भी अच्छे ऑथर्स हैं जो कि लिखे हुए हैं विज्ञान भैरव तंत्र। तो बट ही पॉपुलराइज लॉट ऑफ स्टफ। विज्ञान भैरव तंत्र उसने बहुत पॉपुलराइज किया उन्होंने। मेरे को बहुत से बुक्स आए थे रिकमेंडेड, बट मैं कभी लिया नहीं उसका, ओशो का, बिकॉज एक तो मेरे को उसका समझ में नहीं आया, या तो मैं तो आई वॉज टू नाइव फॉर हिज काइंड ऑफ दिस थिंग। उससे या तो मैं दूसरा कुछ किताब पढ़ता था, अमर चित्र कथा पढ़ता था। अमर चित्र तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बहुत इंटरेस्टिंग होती है, तो मैं वो पढ़ता था। मैं बोला नॉलेज तो कहीं से भी मिल सकता है। बट नो डाउट, लोग पागल थे उसके पीछे, पता नहीं क्यों। मैं बोला इतने इतने अच्छे अच्छे गुरुज हैं हमारे पास, हम उनकी कभी सुनते नहीं है। हम जाते हैं, कोई आता है, बिकॉज हमारा मोह क्या है कि अगर कोई व्हाइट चमड़ा वाला आ गया, कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो लोग उसके पीछे पागल। बट बाद में मैंने उसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला ही वॉज ड्रग एडिक्ट। वो तो रोल्स रॉयज और रोलेक्स वॉचेस के पीछे पागल था। मैं बोला ये क्या सिखाएगा दूसरों को। जो आदमी मटेरियल थिंग के पीछे पागल है, वो तो कभी स्पिरिचुअल ज्ञान तो दे ही नहीं सकता किसी को। बाद में वही हुआ, उसको ओरेगोन से भगा दिया, अमेरिका से भगा दिया, बिकॉज वो इट वेंट इन टू ड्रग्स एंड अदर थिंग्स। तो आई वॉज नेवर इम्प्रेस्ड। मैं देख लिया एक्चुअली, जो भी फॉल्स गुरुज होते हैं वो किसी न किसी ट्रैप में फंस भी जाते हैं एक्चुअली। मतलब ये एक्चुअली मैं इसको ऐसे कहता हूं कि लोग हमें हमारा धर्म फॉलो नहीं करना देना चाहते,
इस कारण वो ऐसे डेमी गुरुज जो हैं उनको क्रिएट करते हैं, और बाद में जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देते बट हैं इस ये। पूरे प्रोसेस में एक कंट्रीब्यूशन उनका बड़ा फिनोमिनल है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर थॉट को किसी के अंदर इन्वोक कर दिया, विच वॉज इन द स्पिरिचुअल डोमेन। करेक्ट, ये मेरा मेजर ऑब्जर्वेशन रहा इन सबके लिए, चाहे वो आसाराम बापू हो चाहे कोई भी हो। ये सब जो है ये अपने रास्ते से भटक गए, वो एक अलग बात है, बट इन्होंने हजारों लाखों लोगों की शराब छुड़वा दी, नॉनवेज छुड़वा दिया, ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, और जो फेक पार्ट है उसको भी एक्नॉलेज करना वो चाहिए। तो ठीक, वो मैं मानता हूँ कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस तो लेके आए। एक्चुअली किसी को सनातन, अगर कोई वेस्टर्नर को सनातन धर्म के बारे में समझाया तो इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन भी काफी है एक्चुअली। टू दे हैव लेफ्ट लॉट ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम्स टू एम्ब्रेस सर्टेन थिंग्स ऑफ सनातन धर्म, तो इसके लिए उनको तो बधाई के पात्र हैं वो। उसके लिए बधाई है। तो मतलब वहां पर जैसे बट हमारे यहाँ कभी क्या होता है, कार्मिक हमारे यहाँ साइकिल में धर्म अधर्म डिफाइंड है। मुझे धर्म ओके फॉलो करने पर वो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, पाप करने पर मुझे उतने टाइम नरक मिलेगा। एक्शंस के वजह से हमारे को वो होगा। प्लीज आप कुछ बोल रहे थे, मैं सॉरी मैं मैं। यही बोल रहा था कि हमारे स्क्रिप्चर्स को तोड़ मरोड़ के करने का, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स थे उसको जितना भी तोड़ मरोड़ कर सकते थे उन्होंने तोड़ मरोड़ तो कर ही दिया उन्होंने। कर दिया, वो बहुत गंभीर डैमेज है, तो उसको रिवर्स करने के हिसाब से वो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बट रिवर्सिबल है। मतलब आप पुराण वगैरह कोई भी चीज अगर वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिस हो गई है तो आप उसको रीजनरेट कर सकते हैं। बिकॉज रीजनरेट का मेरे हिसाब से एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, आप उस सब्जेक्ट को लिखना शुरू कर दीजिए, एंड यू मतलब प्लान टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ नॉवल। तो जब आप पहला क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट इस व्यक्ति को पता था, इसको कैसे पता चला, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक दफे मैं मेरे गुरुजी के साथ में टहल रहा था, तो उस समय ये कीड़े निकलने का मौसम था, जो नई फसल आती है ना उस टाइम पे बहुत सारे वो छोटे छोटे कीड़े भी निकलते हैं ना उसके साथ में, भुनके वगैरह कहते हैं हमारे यहाँ। तो ऐसे करके मैं गुरुजी एक स्ट्रेच पे वॉक कर रहे थे, और चलते चलते हमारे को कीड़े चिपक रहे थे, तो हाथ में वो अंगोछा रखते थे, तो अंगोछा जो है वो उसको चलाते रहते थे। तो मैंने पूछा कि ये इसका क्या वो है, तो बोले भाई आजकल तो लोग सारे वो फर्टिलाइजर वाली वो खेती करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड से ये जितने भी इंसेक्ट हैं ये सारे के सारे मतलब और पावरफुल हो जाते हैं। तो मैंने कहा जी इसका क्या तरीका है, तो मैंने कहा पहले कैसे होता था, तो उन्होंने बोला कि देखो भैरव जो है वो संस्कृत में किसान को कहते हैं, कि जब ये अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न करा गया तो ये तो मोल्टन स्टेट में था, इसके जितने भी पार्टिकल्स बने, प्रत्येक भूमि को खेती लायक उपजाऊ बनाने वाला जो प्रथम किसान है उसको भैरव कहते हैं। अब भैरव की जो शक्ति जो है, पत्नी जो है वो भैरवी है, और जो किसान जो है उसका जो साथी जो है, जो रात दिन उसके साथ खेत में जाता है, और मान लो रात को हम खेत में चल रहे हैं कोई एकदम से सांप वगैरह आ जाए, तो वो कुत्ता जो है पहले ही उसके किसान के आगे आगे चलता है और उसको जो है वो प्रोटेक्ट वॉन करता कर है, दो। बॉन्ड भी करता है प्रोटेक्ट भी करता है, अगर होता है तो कुछ को तो काट कूट भी लेता है। तो कुत्ता एक बड़ा डिफरेंट सा जीव है। जब ये वाला एस्पेक्ट देखा गया, तो जब किसान की फसल पकती है तो वो सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेशन में शराब आ गई, मदिरा मदिरा के तौर पे आ गया, जबकि वो कुछ और चीजें थी पर वो सेलिब्रेशन में नशा इंक्लूडेड था, ये उस प्रोसेस से पता चलता है। इसलिए भैरव के मंदिर में आज भी शराब चढ़ती है। एक्चुअली वो शराब नहीं है, उन लोग क्या करते थे, फर्मेंटेड जो राइस होता था उसकी जो ड्रिंक बनती थी वो नशा कराने की इफेक्ट रखती है। जैसे पर पहले तो देसी शराब होती थी ना हम सबकी जगहों पर। वंस द ब्रिटिशर एंटर्ड द मार्केट दे सेड नोबडी इज अलाउड टू प्रिपेयर कंट्री लिकर। कंट्री ठर्रा लिकर ठर्रा सारी देसी चीजों से ही बनता था।
कहीं चावल की खेती होती थी तो वो चावल से बनाते थे, कहीं वो गेहूं से बनता था, बार्ली बार्ली से बनती थी कहीं जौ गेहूं। से, मतलब जो भी खेती होती थी उसी के अन्न से, उसको सड़ाकर उसके फर्मेंटेड प्रोसेस से वो बनाते थे। वहां पर जहां मतलब हम साउथ में जाएं तो वहां पे ताड़ी बनती थी, तो वो ताड़ी 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 एक विशेष प्रकार का पेड़ होता था, उससे वो बनता था। सो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सेलिब्रेशन वॉज विद सम काइंड ऑफ एल्कोहल इन सम फॉर्म। पोस्ट ब्रिटिशर्स वो पूरे प्रोसेस में वो हो गया। तो भैरव किसान के लिए टर्म यूज हुआ, भैरवी किसान की पत्नी थी, और तीसरा पार्ट था उसका मित्र जो था वो कुत्ता था। कुत्ता जो है वो भैरव जी का वाहन के तौर पे जाना जाने लगा। लेकिन इसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मेरे गुरु जी ने बताया था वो ये बताया कि बोले भैरव तो ऑब्जर्व करने की चीज है। मैंने कहा मतलब? बोले अगर आप राग भैरव जो मॉर्निंग राग है उसको सुबह गाते हैं तो आपके आसपास का जितना भी खेत है उसमें जो है वो ये जो कीटाणु मतलब जो कीड़े निकलते हैं ये निकलने बंद और कम हो जाएंगे। म्यूजिक इटसेल्फ एक्ट एज ए पेस्टिसाइड ऑन फर्टिलाइजर। राग भैरवी शाम का राग है, तो एक दिन का राग है मतलब जब रात से सुबह होती है एक वो वाला राग है, और एक सुबह से जब रात होती है वो वाला राग है। तो राग भैरव और राग भैरवी दोनों समय जब मिलते हैं उसके राग है, और उस काल में उस राग को गाने से वो पूरा क्षेत्र जो है वो पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर फ्री हो जाता है। अब ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि हम सिर्फ गाना गाने के तरीके से, और गाना आप देखिए सबसे ज्यादा गाने पॉपुलर भी किसान के हैं, जो रागनी वगैरह वो लोग गाते हैं, राग और रागिनी गाते हैं, वो लोकल लेवल पे हर जगह गाई जाती है। मैं यहाँ हरियाणा के बहुत सारे जाटों को देखता हूँ, यूपी के जाटों को देखता हूँ, वो रागनी गाने और सुनने के हिसाब से होते हैं। किसी ने उनको करप्ट कर दिया, उस वर्जन को खेती से दूर ले गए, वो एक अलग पार्ट है, बट स्ट्रक्चर्ड नॉलेज थी। तो भैरव जो है वो बाय प्रोसेस पहली बार भूमि को अंकुरित करने के लिए जो एफर्ट करा किसान ने, एक बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बनाने कन्वर्ट करने के लिए, उस पावर को भैरव कहते हैं। हम वो पार्ट ही नहीं समझ पाते कि वो सब्जेक्ट में जब कोई व्यक्ति भैरवी महाविद्या है तो महाविद्या की संज्ञा ही क्यों है, भैरवी तो महाविद्या है। तो जब मैं भैरवी का ध्यान करूंगा, अब मैं भैरवी को कैसे ध्यान करूंगा, एक सेकंड, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? दिख रही। भैरव, भैरवी, भैरवी अब मैंने जब भ को इवेल्युएट कर लिया कि भ का मतलब श और श का कॉम्बिनेशन है, व का मतलब, सॉरी, ग का मतलब वह है, इस प्रकार से। इस आधार पर जब मैं भैरव और भैरवी को देखता हूं तो ये टर्म बन जाता है शैरव, शैरवी। अब इससे मैं बीज मंत्र बनाता हूं तो मेरे पास अल्फाबेट्स जो टोटल बनेंगे वो बनेगा श, र, व और य। तो मैं इसको बनाऊंगा य, श, व, री।
ये मेरा ऑफिशियल लिख देता हूँ साफ तरह से, या आई की मात्रा से आया है इसलिए मैंने यह लिया। बैक के ऊपर जो ये की मात्रा है। हाँ ऐसा होता है ना, आ प्लस ई ए होता है और आ प्लस हाँ ए जी। आई होता है ना, तो ई आ गया ना, ई से या बना हमारा, पर ये इसलिए ये ग कहाँ से आ गया? ग तो है ग नहीं भैया। का इंक्लूड ही नहीं करा मैंने। मैं तो भग टर्म से अपने हाँ इवैल्यूएशन को भग, बता रहा था कि अच्छा मैंने भग, ब यहां से यूज अच्छा करा है, ये अच्छा कह रहा हूं अच्छा मैं। तो ये मेरी टर्म बनी यशक्षवरी। अच्छा अब हम यशक्षविनी जो है उससे पूरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग का बीज मंत्र हो गया, ये स्टार्टिंग का बीज मंत्र हो गया भैरव या भैरवी महाविद्या का। तो जब हम इस बीज मंत्र को ध्यान करते हैं और इस बीज मंत्र को भैरव के जो भी मंत्र और हमारे पास प्रक्रिया है वहां पर इसको लगाकर इसको प्रयोग करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम में भैरव से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं वो अपने आप डिकोड होके हमारे पास आने लगेंगी। भैरव से कनेक्टेड प्रक्रिया क्या है, कैसे हमारी भूमि जो है ज्यादा से ज्यादा खेती लायक उपयोगी हो। और इसकी प्रैक्टिकल रेलिवेंस भी है। प्रैक्टिकल रेलिवेंस मतलब इंडिया, चाइना और अमेरिका, ये तीन देशों में सबसे, अगर इनका पूरा आप ज्योग्राफिकल वो मेजरमेंट्स देखेंगे लैंड एरिया के तौर पे, तो आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा खेती लायक भूमि भारत के पास है। अमेरिका और चाइना के पास खेती लायक भूमि नहीं है, तो पावर किस बात की हो गई, खेती लायक भूमि की। तो हमारे यहाँ पूरे प्रोसेस को काउंटर करने के लिए किसी ने क्या करा कि सारे सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जिससे यहाँ के लोग कम से कम खेती करें। गाय के चमड़े से क्रिकेट की बॉल बन गई और वो क्रिकेट पॉपुलर हो गया, तो गाय कटती चली गई। तो कोई डेलिबरेटली इस बात के लिए फोकस्ड है कि किसी भी तरह से इस देश का व्यक्ति खेती ना कर पाए, और जो व्यक्ति खेती कर रहा है वो आत्महत्या कर रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि उसको सिस्टमेटिक सपोर्ट कितनी है। पर भैरवी महाविद्या को जागृत करते ही उन सब लोगों की रक्षा होनी शुरू हो जाएगी जो ये खेती के मार्ग पे चल रहे हैं। एक सेकेंड, हेलो। हाँ जी पंडित जी, सॉरी। तो जब हम भैरवी महाविद्या को प्रत्येक जगह लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याओं को सुलझा सके, खेती के नए नए आयाम डेवलप हो, हमारा एक नया पर्सपेक्टिव क्रिएट हो और किसान जो है वो भरपूर शक्तिशाली बने, ये हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को समझने और करने के हिसाब से। मैं, मेरी बात समझा पाया? यहां से हमारी सारी प्रक्रिया जो है वो ओरिजिनेट होती है। और इस बीज मंत्र को जरा पहले एक दफे स्कैन कर लीजिए।
इसकी ऊर्जा काफी है, आपके अनाहत चक्र में मणिपुर और स्वादिष्ठान। एक्सेलेंट। और ये मैंने तीन बीज मंत्र और बनाए हैं इस आधार पर, इनको और स्कैन कर लीजिए एक दफे, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है इसके तौर पर। यशक श्रीम द सेकंड वाले में काफी एनर्जी है। हाँ कौन सा, ये वाला? ओके देखिए, मेन क्या है पार्ट जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा था, इसमें भैरव और भैरवी लिखने से य, व और र, ये तीन अल्फाबेट आते हैं। भ तो हमारा जो है वो, तो ये मैंने कोर सेंटर में बीज मंत्र लिख दिया। ये कोई से भी बीज मंत्र हो सकते हैं या इनको हम कंबाइंड करके भी रिसर्च कर सकते हैं, बट ये हमें ये संबंध बता रहा है कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, तत्व यस इन तीनों के संबंध से जो उपजाऊ जमीन। क्रिया संतुलन करके जो प्राण की ऊर्जा है, जो सूर्य की रश्मि जो है उसको प्रयोग करके जो इससे अंकुरों को उत्पन्न कर रहा है, वो शक्ति यहाँ पर हाईलाइट होती है। जी तभी तो मैं बोला कि तीन तीनों इसमें ज्यादा ये है। हाँ, तो ये जो भैरव और भैरवी का जो पार्ट है, इसको इस प्रकार से जब हम समझकर शोध शुरू करते हैं, तब वो प्रक्रिया हमारे सामने अपने आप को एक अलग रूप से प्रकट होती है। ये भैरवी महाविद्या का पूर्ण पार्ट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट में हम ये पॉइंट को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, तो हम वो वहां पर शराब ही चढ़ाते रहेंगे और उस प्रक्रिया के मूल पार्ट से दूर होते जाएंगे। तो हमारे यहाँ प्रक्रियाएं बहुत साइंटिफिक थीं, लेकिन उनको साइंटिफिक पक्ष को हाईलाइट नहीं होने दिया। मेरा कहने का पर्पज ये है, ठीक है जी? अब मैंने ना आप लोगों को, एक सेकंड, अभी कुछ वीडियो शेयर करी है। एक मिनट मैं देखता हूँ। अभी तक तो कुछ आया नहीं डॉक्टर साहब। एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। मेरे पास तो ये ब्लू टिक आ रहा है, ये अभी तक तो कुछ आया नहीं। सर आप ही के नंबर पे ब्लू टिक आ रहा है। सर मेरे नंबर पे आ रहा होगा।
क्योंकि मेरे पास आ गई है तीनों, पर मैंने नहीं, डाउनलोड भी सर कर के दिया। पास भी है, मेरे तो नहीं ऑफिस। आया, आया नहीं है, मैं तो आई कैन शो इट, कुछ नहीं है। अरे सर, मैं शो करने उसकी बात नहीं, देखिए ये आपके नाम पर चले गए, ये आपके नाम के आगे जो है ये वीडियोस दिखा रहे हैं, और ये सारी वीडियोस में ब्लू टिक आ रहे हैं, वेदांग कौमार भृत्य। हाँ, वेदांग 6 एंशियंट कोमार, ये तो वीडियो है। अच्छा, ये मैं वीडियो नहीं देखा, अच्छा मैं सोचा कोई आर्टिकल है इसको। आ गया आ समझे, गया आ गया आ गया, वेदांग कुमार तो मैंने क्या कर, भृत्य मैं पिछले कुछ कुमार। टाइम से ना कंटेंट पे काम कर रहा हूं, तो अच्छा, हमारे जितने भी चीजों के हम लेक्चर्स और वो प्लान कर रहे हैं, तो वो हाँ बैकग्राउंड में बहुत डल पीपीटीज होती हैं, बहुत डल स्लाइड्स हैं, तो मैंने ही अभी आजकल जो है कंटेंट रिलेटेड वो काम करना शुरू करा, सो दैट वीडियो। मैं अपने पैक उसको, फिर वो पीपीटीज को मैंने एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट जो भी हम लेक्चर और डिस्कोर्स पे बात कर रहे हैं, वो 5-10 मिनट में हम उस मूल टॉपिक को समझा पाए। जैसे आज हमने भैरव भैरवी करा, तो मैंने भैरव भैरवी की एक पीपीटी बनाई, और पीपीटी बनाने के बाद उसको डिस्कस करा, वो एक ऑथेंटिक पार्ट हो गया। अब जैसे ये वाला पार्ट हमने जो लिया आज जिस तरह से, तो मैं पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अच्छा जैसे डिजीजेज है, अब यहाँ तो शुक्ला जी हैं जिनको प्रक्रियाएं पता है, हर एक व्यक्ति को तो पता नहीं है, तो जो वीडियोस मतलब जो पीपीटीज हैं वो एनाटॉमी के बारे में पूरा बताए कि कोई एक बीमारी क्या होती है, तो ऐसे करके एलोपैथी होम्योपैथी यूनानी आयुर्वेद एक्यूप्रेशर ऐसे करके सबकी 100-100 200-200 स्लाइड बना दी, सो दैट कि जो भी व्यक्ति पर्टिकुलर किसी डिजीज से रिलेटेड कोई कंपैरिजन कर रहा है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। दैट इज दी फंडामेंटल इंटेंशन बिहाइंड क्रिएटिंग दी कॉन्टेंट। और वो तो हमें जो है इस पार्ट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, और एक इंटेंशन बनानी है कि हम कैसे भी एक बुक लिखें, एक सब्जेक्ट डिफाइन कर लें जिसका भी हमारे को नॉलेज है, उस पे हम कंटेंट पे डिस्कस करें, सो यूजिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी अगर किसी को नहीं भी लिखना आता तो हम उन सारे पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि अच्छा ये पार्ट है। तो जैसे मैं ये अभी कंटेंट पे काम कर रहा था, तो 9 चक्रा का कहीं डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, तो मैंने वो अपना कंटेंट डाला और अपने कंटेंट को ही पीपीटी में कन्वर्ट कर लिया, तो उसने मुझे वो 9 चक्र रिलेटेड पूरी प्रक्रिया हाईलाइट कर दी। तो जब अब आप दोनों जने जब एक बुक लिखने के हिसाब से काम करते हैं, आपको सिर्फ पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा मैं इस पॉइंट पे बुक लिखूंगा, उसका मटेरियल अगर नहीं है तो वो मटेरियल भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको बुक की फॉर्म में देने के लिए क्या चीज है, बट जब तक आपका अपना डीप इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, तब तक वो प्रक्रिया जागृत नहीं होगी। तो हमारे को जो है वो सब्जेक्ट को इस प्रकार से समझना है कि जो पार्ट हमारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा है, केवल उतने पार्ट को पकड़ना है, और उसके ऊपर एक बुक का वो लेआउट प्लान करेंगे, ठीक है सर। तो इट विल बी वेरी इजी कि हमने एक पार्ट समझा, लेकिन उसको इस लेवल तक समझा कि हम खुद समझ भी गए और दूसरे को समझाने के लेवल पर ले भी गए। एनी पार्ट मतलब मैंने ऑलमोस्ट अपना पूरा करिकुलम जो है, जो 1 साल वाला जो है, उसको पूरा नए फॉर्मेट में डाला। मतलब मैं पिछले इतने दिन से जो मेरी ये कन्वेंशनल पीपीटीज थी वो चल रही थी, तो समाउ आई आई ऑब्जर्व कि वो अब, और ये 4 साल से चल रहा था, तो आई रियलाइज कि मेरे को मेरे कंटेंट में कुछ क्रिएटिव इनपुट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, सो दैट कि जितने भी लोग इस सब्जेक्ट को सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं उनके पास में वो कंटेंट होगा, तो इट विल बी वेरी इजी। भाई आपको दोनों जनों को कल को कहीं भी कोई लेक्चर देना है, कोई पीपीटी वगैरह डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, और उस सब्जेक्ट से बनानी है कि जो सब्जेक्ट जो है कन्वेंशनली बुक्स में नहीं है, तो कंटेंट क्रिएशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, हमारी होगा ना। जी, तो इस इंटेंशन को एक दफे पार्क कर देंगे तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा आसान सा पार्ट हो जाएगा। अच्छा आज कोई ना एक टीम आई हुई है जिसको वो नारायण बलि के लिए जाना है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना है, तो आज हमें अपनी क्लास को ये यहीं पर रोकना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब। ठीक है जी।
ठीक सर है कभी भी जी आपको टाइम मिले कॉल करके या इस तरह से लेक्चर में, तो वाक सिद्धि के बारे में और बताइएगा। अगला मैं मतलब कल जो हम बात करेंगे उसमें हाँ, वाक सिद्धि क्योंकि कौन से मैं मंत्रों से करूंगा। होती है, क्या प्रक्रिया, मैं वो सारी बता दूंगा। हाँ, तो मैं कल कोशिश करूंगा वाक सिद्धि की, फिर हम बोलेंगे इसमें। हाँ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसे मेरे मेरे जैसे बहुत सारे व्यक्ति ओशो के या अदर किसी इस तरह के उनके साथ नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि किसी को तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। एक बार क्या हुआ, कल ये आजकल वो बंदा नहीं है उनका जो बड़ा पॉपुलर है, वो बालेश्वर धाम, नहीं क्या नाम है उनका, वो स्वामी जी जो बागेश्वर 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 धाम बागेश्वर धाम, तो मेरे बागेश्वर से धाम किसी ने कहा कि भाई ये बागेश्वर धाम तो बड़ा जबरदस्त शक्ति है, ये तो ऐसा है वैसा है। तो मैं बैठा अपना, मैंने बैठ के जो है निकाला, मैंने कहा ये इसका बीज मंत्र है, जैसे ही आप इस बीज मंत्र को 1.25 लाख बार लिख लोगे, उसकी बस एनर्जी उठा के अपने अंदर डाल देना, आपके पास इससे ज्यादा शक्ति आ जाएगी। अरे महाराज, हमें आप भी भी शुक्ला हैं और बागेश्वर धाम वाले भी शुक्ला हैं। हम हमें भी दे दीजिएगा, हम प्लीज हाँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, मैं आपको देखिए, मैं आप लोगों को मूल प्रक्रिया से ही कनेक्ट कर रहा हूं, मेरा कोई, मैं अगर मैं नॉलेज किसी भी क्षण रोकूंगा तो वो मेरे पार्ट पे गलत होगा। मैं नहीं, वो तो आपने तो पहले प्रोमिस किया है ना कि ये जो आप ब्रह्म प्रक्रिया है राक्षस जिसमें बना। बीज मंत्र और उसका जितना भी इवॉल्वमेंट है, आज तक मुझे जितना पता है, वो मेरे सारे ग्रंथ मेरे सामने ही रहते हैं जब मैं क्लास लेता हूं, तो मैं इतना तो बिल्कुल गारंटी से अश्योर कर सकता हूं कि रख जो प्योरेस्ट पार्ट है वो तो मैं आपके सामने बहुत अच्छी तरह रखूंगा। रमेश जी, जब आप शुक्ला जी के घर जाएंगे ना, तो मैं भी अप्रत्याशित था कि मैं जाके बैठा तो चाय से पहले मेरे सामने वो इतने सारे रजिस्टरों का ढेर आया, कहने लगे देखो ये मेरा कार्य है, ये मैंने इस तरह से किया, ऐसे किया ऐसे किया। और उस समय जब वो बता रहे थे ना, तो एकदम जैसे बच्चे वाला स्वभाव होता है ना, कि एक्चुअली मैंने एक ऐसा। इंटेंशन डाला डॉक्टर शुक्ला की, जितनी भी जो भी रिसर्च है वो पूरी दुनिया में जाए और सब लोग इसकी प्रक्रिया को जाने और यूज करें। और सर मैं माफी चाहता हूं अगर मेरे आज के किसी मतलब से कुछ ऐसी बात हुई हो तो सॉरी। नहीं, बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। लेकिन लेकिन क्योंकि मैं मुझे तो सिर्फ पता देखिए, है। मेरा काम है जैसे मेरे गुरुजी ने हर चीज को छलनी करके काम की चीज को ग्रहण करना और बेकार की चीज को निकाल देना सिखाया, मैं तो वही इंटेंशन सबके साथ रखता हूँ। मेरा और मेरी कोई भी टीका टिप्पणी को आप पर्सनल स्टेटमेंट ना माने, नहीं एक सर, बस नहीं सर, प्रोफेशनल स्टेटमेंट के तौर पर ही उसको रहने देखिए। हाँ भाई, ये चीज हाईलाइट करनी जरूरी है। ठीक हमें तो सिर्फ है ये जी, है कि आपके जरिए साथ सर, हमारे संबंध